हाँ जी, तो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस जगह से बेशक वाकिफ तो होंगे ही, पर आज की इस कहानी की तरह नहीं। मतलब ये कि इस कहानी को एक बार आप सुने। हाँ जी, तो इस सफर का शुभारंभ बिल्कुल इस सफर की तरह ही होता है, नहीं समझे? मतलब ये कि सफर पे जाने से लगभग एक दिन पहले जब उदित सिंह का हमारे पास एक छोटा सा मैसेज आता है कि, और इस मैसेज को पढ़ के हम का मना करने वाले थे। और फिर क्या, अगली सुबह होते ही हमने अपने मित्रगणों को कॉल किया और बुला लिया बस गैलोस बस स्टैंड पे, और वहीं से हमने यात्रा तय की जोधपुर की। तो जोधपुर पहुंचते हमारे सामने छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी, उनको हम पार करते करते सीधा पहुंच गए पाली। और पाली जाते ही सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो ये थी। ये हमारे राजेंद्र सिंह के जो कि लेकिन हमने फिर भी अपना हौसला खोया नहीं और वहाँ से हमने छोटा मोटा जुगाड़ करके सीधा पहुँच गए दुधनी विलेज यानी उदय सिंह के गांव। लेकिन उदय सिंह ने हमारे लिए रहने के लिए अलग मैनेजमेंट किया हुआ था, मतलब एक होटल के अंदर। अब वो किराए वाली होटल तो थी नहीं, पर हाँ आके ऐसे ही आप मान के चल सकते हैं। और होटल पहुँचते ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये था कि उस दिन था बर्थडे उसका, हमारे साथी पर्वत सिंह का। तो बर्थडे का सेलिब्रेट भी करना था तो उनके लिए एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया जाए, तो हम लोगों ने जल्दी में ही छोटा सा मोटा प्लान कर दिया। तो इस सेलिब्रेशन के बाद हमारे दोस्तों ने निर्णय लिया जल्दी से सोने का, क्योंकि अगली सुबह इनको देखना था इस जगह का सनराइज। तो हमारी पहली सुबह दूधनी में होती है एक कड़क सी साय के साथ, वो भी ईश्वर सिंह के घर पे। तो इस कड़क सी साय के बाद आज हमारा प्लान था दूधनी विलेज एक्सप्लोर करने का। लगभग 4 बजे के आसपास उदय सिंह ने हमें बोला कि अभी चलते हैं जवाई डैम और आपको घुमाते हैं सफारी के अंदर। तो इसी प्रकार से हमारी सफारी हो चुकी थी एकदम रेडी उस जगह को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। अभी हम लोग पहुंच चुके थे जवाई बांध के अंदर, मतलब अंदर की साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोकोडाइल भी देख सकते हो आप। और हमारे फ्रेंड्स ने यहाँ पे कुछ फोटोज लिए और कुछ वीडियोस बनाई। और ये पानी के लिए झगड़ रहे हैं, ये सब सबका सपोर्ट कर रहे हैं, लाइन बाई लाइन बना के उदित सिंह और जा रहे हैं वहाँ पर। और ये हमारा शर्ट पहन के ये वीडियो बना रहे हैं। और ये तो इसी के साथ लगभग शाम के 5 या 5:30 हो रहे थे और उदय सिंह बोलते हैं कि अभी हम लोग कराएंगे आपको हिल्स ट्रैकिंग, मतलब पहाड़ों के ऊपर सीधा गाड़ी चढ़ाएंगे। और ये तो हमारे साथ पहली बार ही हो रहा था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था, क्योंकि हम में से किसी ने आज तक हिल्स ट्रैकिंग नहीं की थी। तो आप ही देखिए इस मोमेंट को हमने किस प्रकार से इंजॉय किया। हिल्स ट्रैकिंग के बाद हमारा अगला पड़ाव था लेपर्ड सफारी। शाम के 6 बज रहे थे और हम लोग निकल पड़े। हमने 1-2 पॉइंट देखा वहाँ पे, तो लेपर्ड दिखा नहीं, लेकिन हम जब 3rd पॉइंट पे गए तो तो
इसी प्रकार हमने लेपर्ड देखने के बाद घर जाने का फैसला किया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और कि बाकी का जो भी प्रोग्राम है वो कल सुबह रखते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग जाके सो गए वापस। तो दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह भी बिल्कुल पहले दिन की तरह ही होती है, बस फर्क इतना सा था कि इस दिन हम जा रहे थे दो पवित्र स्थल के दर्शन करने। सबसे पहले हम दर्शन करने गए कामेश्वर महादेव मंदिर और इनके बाद हम चल पड़े दूसरे दर्शनीय स्थल जो कि थी सनीधाम। कहते हैं यहाँ पर शनि भगवान बसते हैं, तो हम भी चल पड़े। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हंसते खेलते हमने इन मोमेंट्स को आपके सामने दिखाया और आपको कहानी के माध्यम से व्यतीत किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।